गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस लेक्चर इज फॉर बीकॉम सेकंड सेम सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। प्रॉब्लम दिया है, बोला है कैलकुलेट मीन कैलकुलेट करना है बाय कंटिन्यूअस सीरीज। मार्क्स दिए हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 7, 15, 23, 25, 30, 8, 6 एंड 3। तो ग्रुप के फॉर्म में, टू के फॉर्म में, ग्रुप में 10 to 20, 20 to 30 मीन्स कौन सी सीरीज है? कंटिन्यूस सीरीज है। इसलिए हमने पहले मार्क्स लिख लिए एज इट इज़, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी है, एफ फ्रीक्वेंसी, एज इट इज जैसी है वैसी लिख ली हमने, उसकी टोटल ले ली, यन इक्वल टू उसकी टोटल आती है 100। तो कंटिन्यूस सीरीज में तीसरा कॉलम जो है वो ध्यान में रखना, हमको मेजरमेंट कॉलम चाहिए। जैसे सिंपल सीरीज में था, डिस्क्रीट सीरीज में था, अब इसमें मेजरमेंट कॉलम मतलब मिड वैल्यू, जिसको बोला है मेजरमेंट कॉलम। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने जो शॉर्ट प्रॉब्लम देखे थे उसमें हमने मिड वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं वो बताया था। ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू, क्या बताया मैंने? ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, इसके पहले के वीडियो में वो सब क्लियर हो गया है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू, यानी 20 प्लस 10, 30 डिवाइडेड बाय टू, यानी कितने आएंगे? 15। फिर से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय टू, यानी 30 प्लस 20 50 डिवाइडेड बाय टू, यानी कितने आएंगे? 25। फिर से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू, यानी 40 प्लस 30 यानी 70 डिवाइडेड बाय टू, यानी 35। अब यहाँ 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी सीधा 10-10 का डिफरेंस आते जाएगा, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। यानी इन दोनों की आप टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो ये आंकड़ा मिलेगा। 10 का, इसमें 10 का डिफरेंस है तो सीधा इसमें 10 का डिफरेंस है, इसलिए हमने लिख लिया 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। अब जो है ये मेजरमेंट कॉलम है, इसके बाद एज इट इज़ डी एक्स कॉलम हमारा, तो डी एक्स की वैल्यू एज्यूम करना है कौन से कॉलम में से? मेजरमेंट कॉलम में से। कौन सी भी वैल्यू लिए तो चलेगा, हम लेंगे 45। डी एक्स की वैल्यू लिए हमने 45, 15 माइनस 45 माइनस 30, 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 प्लस 10, 65 माइनस 45 प्लस 20, 75 माइनस 45 प्लस 30, 85 माइनस 45 प्लस 40, जैसा कि हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था। अब यहाँ पर भी डिवाइड हो सकता है, कौन सी से डिवाइड हो सकता है? 10 से, इसलिए हम I कॉलम प्रिपेयर करेंगे। तो I इक्वल टू कितना लिखा? 10। तो 10 थ्री ज़ा 30 होते हैं, यानी यहाँ 3 आ जाएंगे, 10 थ्री ज़ा 30, 10 टू ज़ा 20 यानी माइनस 2 आ जाएंगे, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस है करके यहाँ माइनस आएगा, 10 वन ज़ा 10 यानी माइनस 1 आएगा, यहाँ पर 0 है तो 0 ही आएगा। अब 10 वन ज़ा 10 यानी 1 आएगा, 10 टू ज़ा 20 यहाँ पर 2 आएंगे, 10 थ्री ज़ा 30 और 10 फोर ज़ा 40। यानी क्या किए हमने, जो डी एक्स कॉलम है ये वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड हो सकता है सभी को तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर 10 थ्री ज़ा 30, 10 टू ज़ा 20, 10 वन ज़ा 10 0, 10 वन ज़ा 10 यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है करके माइनस साइन, यहाँ प्लस है करके प्लस साइन। अब लास्ट कॉलम जो है वो एफ डी एक्स, लेकिन आई कॉलम प्रिपेयर हुआ है इसलिए एफ डी एक्स करते वक्त एफ इंटू आई, एफ इंटू आई, एफ फ्रिक्वेंसी इंटू आई। तो 7 थ्री ज़ा 21 यहाँ माइनस है करके माइनस 21, 15 टू ज़ा 30 यहाँ माइनस है करके माइनस 30, 23 वन ज़ा माइनस 23, 0 को कौन से भी इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आता है, 13 वन ज़ा 13, उस बार में 8 टू ज़ा 16,
6 3 जा 18 और 3 4 जा 12। क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी कॉलम और आई कॉलम एफ इंटू आई का मल्टीप्लीकेशन किया, जिसका माइनस साइन है उसको माइनस साइन, जिसका प्लस साइन है उसका प्लस साइन। समेशन एफ डी एक्स इक्वल टू, फिर से हमने माइनस माइनस की टोटल की, उसको साइन माइनस दिया, प्लस प्लस की टोटल की, इसको साइन प्लस दिया, जो भी जिसका भी आंकड़ा बड़ा रहेगा उसका साइन देंगे। तो यहाँ पर माइनस 15 आते हैं, मतलब माइनस ज़्यादा है माइनस की टोटल और प्लस की कम है, तो माइनस 15 यहाँ बचते हैं, तो माइनस 15 समेशन एफ डी एक्स इक्वल टू माइनस 15। तो हमने हमको मीन कैलकुलेट करना है, और मीन कैलकुलेट करते वक्त फार्मूला क्या है, ए इक्वल टू एक्स प्लस समेशन, कंटिन्यूस सीरीज में भी वही फार्मूला है, समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। आई कॉलम प्रिपेयर हुआ है इसलिए आई आया, अगर आई कॉलम नहीं प्रिपेयर होता था तो अपना फार्मूला इतना ही रहता था। तो ए इक्वल टू एक्स यानी डी एक्स की वैल्यू कितनी है 45, प्लस समेशन एफ डी एक्स कितना आया माइनस 15, माइनस 15 डिवाइड बाई एन फ्रीक्वेंसी की टोटल वो आती है 100 इंटू आई, वो आया है 10। ए इक्वल टू 45 एज इट इज, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है 150, लेकिन माइनस साइन, माइनस 150 डिवाइडेड बाय 100। अब ए इक्वल टू 45 प्लस माइनस माइनस इन दोनों का डिवीजन, तो आता है 1.5, ए इक्वल टू 43.5। तो ये है कंटिन्यूस सीरीज का प्रॉब्लम। अब ये कंटिन्यूस सीरीज के प्रॉब्लम में पहले, सबसे पहले जब हम सीरीज देखते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको देखना है कि सीरीज कन्वर्शन की ज़रूरत है क्या, कंटिन्यूस सीरीज कौन सी चाहिए हमको, रेगुलर कंटिन्यूस सीरीज। हमने इसके पहले के वीडियो में ही देखा है कि सीरीज को किस प्रकार पहचानना, रेगुलर कंटिन्यूस सीरीज किस प्रकार की है, यानी दो कंडीशन हमारी, कौन सी कंडीशन चाहिए, ग्रुप इंटरवल इज इक्वल, जिसमें ग्रुप इंटरवल इक्वल होना चाहिए, यहाँ सब इक्वल है, 10-10 का डिफरेंस है शुरुआत से लेकर लास्ट तक के, और लास्ट आइटम इज नेक्स्ट वन इज द प्रीसीडिंग आइटम, लास्ट आइटम जो नेक्स्ट इसमें वो पहला आइटम है। तो ये दो कंडीशन है तो वो रेगुलर कंटिन्यूस सीरीज है, इसकी कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूस सीरीज रही तो सबसे पहले देखना कि सीरीज कन्वर्शन की ज़रूरत है क्या, यहाँ पर कन्वर्शन की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हमने फ्रिक्वेंसी कॉलम एज इट इज लिख लिया, इसमें मिड वैल्यू कॉलम मतलब मेजरमेंट कॉलम ध्यान में रखना है, मेजरमेंट कॉलम प्रिपेयर करना है, और मेजरमेंट कॉलम किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं इसके पहले के वीडियो में ही आपको बताया है कि मिड वैल्यू किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं। लेकिन फिर भी मिड वैल्यू कैसे प्रिपेयर करते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों का प्लस और डिवाइडेड बाय 2 अगर किए तो हमको मिड वैल्यू मिलती है, जैसे 10 प्लस 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाय 2 तो 15, 30 प्लस 20 50 डिवाइडेड बाय 2 25, 40 प्लस 30 70 डिवाइडेड बाय 2 35, 50 प्लस 40 90 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 45। तो इस प्रकार से हमको वैल्यू मिलती, वैसे एक दो वैल्यू मिली, 10 का डिफरेंस है तो सीधा 10 से ऐड करते जाना। फिर ये डी एक्स मेजरमेंट कॉलम में से हमने डी एक्स की वैल्यू एज्यूम किया 45, फिर इसमें से वैल्यू माइनस, 15 माइनस 45 माइनस 30, 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, 45 माइनस 45 0, यहाँ 55 माइनस 45 तो प्लस 10, तो ये प्लस माइनस ध्यान में रखना है। फिर I इसको डिवाइड कर सकते हैं 10 से, इसलिए I इक्वल टू 10, तो ये कॉलम को हमने डिवाइड किया 10 से, 10 3 जा 30 तो माइनस 3, 10 2 जा 20 तो यहाँ माइनस 2, 10 1 जा 10 तो यहाँ 1, इसको डिवाइड किया, बाद में एफ डी एक्स एफ इंटू आई, ये एफ इंटू आई कॉलम का मल्टीप्लीकेशन 7 3 जा माइनस 21, 15 2 जा माइनस 30, इस प्रकार से एफ इंटू आई कॉलम हमने प्रिपेयर किया एफ डी एक्स। अब माइनस माइनस की टोटल की, प्लस प्लस की टोटल की, जिसका बड़ा साइन आएगा वही रखना है, तो माइनस का बड़ा साइन आता है, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस 15 यहाँ बचे है, माइनस में से ये प्लस के आंकड़े निकाल दिए तो बचा हुआ जो है माइनस 15 यहाँ पे बच रहा है। तो मीन कैलकुलेट करते वक्त हमने फार्मूला लगाया ये इक्वल टू एक्स प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई, ए इक्वल टू ए एक्स यानी डी एक्स 45 लिया है हमने, प्लस समेशन एफ डी एक्स की टोटल माइनस 59 है, एन 100 है मल्टीप्लाइड बाय आई 10 है, ए इक्वल टू 45 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो आता है माइनस 150, यहाँ माइनस सही नहीं करके माइनस 150 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ ए इक्वल टू 45 प्लस माइनस माइनस 1.5
ये इक्वल टू 43.5। तो ध्यान में रखना है, अब तीनों आपके पास में प्रॉब्लम है, सिंपल सीरीज का आपके पास प्रॉब्लम है मीन का, उसके बाद में डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम है, और उसके बाद में कंटिन्यूस सीरीज का भी आपके पास में प्रॉब्लम है। तो इसकी इन तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और तीनों में क्या फ़र्क है, तीनों के फार्मूले किस प्रकार है, आई कॉलम कब प्रिपेयर करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।